learn Arduino concepts and make projects ke lecture number 11 resonance experiment mein aapka swagat hai. Is experiment mein pehle main aapko explain karunga ki resonance kya hoti hai. Uske baad main aapko layout setup dikhaunga aur uske baad hum program ko study karenge aur अपने एक्सपेरिमेंट को रन करेंगे. जब भी दो बॉडीज होते हैं जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है, तब अगर एक बॉडी को वाइब्रेशन दे दी जाए तो दूसरी बॉडी अपने आप ही उसी फ्रीक्वेंसी से, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. यानी कि ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी. कंडीशन क्या है कि दोनों बॉडीज जो हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. हर बॉडी की अपनी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. अगर हम एक एयर ले लें ट्यूब के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर एयर ले लें और ट्यूब के अंदर पानी डाल दें, तो पानी की लेवल से लेकर और ट्यूब के टॉप तक हमारे पास लेंथ ऑफ द एयर कॉलम आ जाएगी, एक लेंथ आ जाएगी. इस लेंथ की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर इस लेवल ऑफ द वाटर को हम चेंज कर दें तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम भी चेंज हो जाएगी और उस लेंथ ऑफ द एयर कॉलम चेंज होने की वजह से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. जितनी लेंथ हमारे पास कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी एयर कॉलम की उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी. और फ्रीक्वेंसी कम होने से साउंड की जो पिच है वो चेंज हो जाती है. अगर मैं एयर कॉलम के ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूँ तो जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और उसी फ्रीक्वेंसी से वो एयर के कॉलम को वाइब्रेट करेगा. पर एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम के ऊपर डिपेंड करती है. इसलिए अगर हमें रेजोनेंस प्रोड्यूस करनी हो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से, तो हम क्या करते हैं, हम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को चेंज करते जाते हैं, लेवल ऑफ द वाटर को हम चेंज करते चले जाते हैं और एक पर्टिकुलर लेंथ ऐसी आ जाती है जिस लेंथ पर एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है और हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है और जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से एनर्जी गेन करता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लार्जर एंड लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, लाउड साउंड आना शुरू हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी बराबर हुई तो हमारे पास साउंड आएगा, या उल्टा कह सकते हैं कि अगर लाउड साउंड आया तो हमारी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी हमारे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है. अब हमें करना क्या पड़ा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम को चेंज करना पड़ा. पर हम अब उल्टा करते हैं, आर्डुइनो की मदद से हम जिस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करना चाहें वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है. इसलिए हम कोई भी लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ले लेते हैं और फिक्स फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क लेने की बजाय हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ द एयर कॉलम. हम एयर कॉलम को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. और जब हमारे एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे जो
स्पीकर है उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास जब मैच कर जाते हैं तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए हमें नेचुरली एक ट्यूब चाहिए, और वो मैं ट्यूब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास वो ट्यूब है प्लास्टिक की ट्यूब। इस प्लास्टिक की ट्यूब के नीचे से यहाँ से होल करके हमने एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा रखी है, और हम इसके अंदर पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो पानी की जो लेवल इस ट्यूब के अंदर होगी, पानी की वही लेवल हमारे पास यहाँ पर इस प्लास्टिक ट्यूब के अंदर, ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर नज़र आएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को हम मेज़र कर लेते हैं। हम इस लेंथ को चेंज नहीं करते, बस एक बार एक लेंथ ले लेते हैं। उस लेंथ पर जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए रेजोनेंस के लिए, वो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर देते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर हम एक स्पीकर लगा देते हैं, छोटा सा स्पीकर लगा देते हैं, जो प्रोग्राम के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। नेचुरली ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम पर तो डिपेंड करती ही करती है, साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ की इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है। और ये हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। अब ये जो स्पीकर है उस स्पीकर के दो एंड्स हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्पीकर का कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए स्पीकर के एक एंड को हम ग्राउंड पर लगा देते हैं, और स्पीकर के दूसरे एंड को हम पिन नंबर 7 के लगा देते हैं। और ये जो स्पीकर है उसको हम स्पीकर को इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख देते हैं, ताकि वर्टिकल डायरेक्शन में रख देते हैं ताकि वाइब्रेशंस ऐसे इसमें प्रोड्यूस हों। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए सेटअप कितना आसान है। छोटी सी एक वर्टिकल ट्यूब ले ली, उसके साथ एक वर्टिकल ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा दी, और एक आर्डिनो के साथ कनेक्शन जो है हमारे पास पिन नंबर 7 और पिन नंबर और यहाँ पर है। इस प्रोग्राम के अंदर हम एक नया कंसेप्ट भी दे रहे हैं, आर्डिनो में इनपुट लेना। इनपुट जैसे मुझे डायमीटर की ज़रूरत होगी, मुझे लेंथ ऑफ द एयर कॉलम की ज़रूरत होगी, और मुझे ज़रूरत होगी टेम्परेचर की, क्योंकि हम फार्मूले में देखेंगे कि टेम्परेचर की इसमें ज़रूरत क्यों है। देखते हैं हम अब प्रोग्राम। देखिए ये मेरे पास प्रोग्राम लोड हो गया है, और उसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इनपुट कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। इनपुट का मतलब है हम इसे कुछ चीज़ें मांगेंगे, ये हमारे से कुछ चीज़ मांगेगा, हम वो मांगे वो चीज़ हम इसको देंगे, और वो जब चीज़ देंगे तो वह आगे कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन कैसे करता है वो मैं आपको इसमें दिखाऊँगा, यानी कि आर्डिनो में कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। अब देखते हैं हम कि डायमीटर जो लिया ले रखा है वो हमने इस ट्यूब का वो 2.33 सेंटीमीटर ले रखा है, और अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग डायमीटर की ट्यूब्स हो सकती हैं। उस ट्यूब को एक बार मेज़र करके उसी अपरेटस के ऊपर लिखा जा सकता है। तो जब इनपुट करने लगेंगे तो वही वैल्यू जिस अपरेटस के ट्यूब को आप यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर को ही आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे डेल। हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी, एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, और हम चाहते हैं कि जब एक फ्रीक्वेंसी चल रही हो तो उस समय वो चलती रहे थोड़ी देर के लिए,
और उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो, उसके बाद तीसरी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो, ताकि हम एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी से डिस्टिंग्विश कर सकें। तो हमने डेल 2000 दे दिया, इसका मतलब है 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड्स। एक फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड के लिए प्रोड्यूस होगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड के लिए, तीसरी फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्पीकर पिन को हम पिन नंबर 7 पर, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, स्पीकर पिन पिन नंबर 7 पर लगा दी गई है। फिर दो फ्रीक्वेंसीज हमने डिफाइन की हैं, इंटीजर F1 और इंटीजर F2, दो फ्रीक्वेंसीज F1 और F2। एक्चुअली जब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से 10 कम और उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से 10 ज़्यादा हम F1 और F2 के अंदर स्टोर कर देंगे, और फिर F1 फ्रीक्वेंसी से रन करना शुरू हो जाएगा। एक एक करके फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और जब वो ये फ्रीक्वेंसी हमारी एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तब हमारे पास मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। हम ट्यूब के डायमीटर को मेज़र करेंगे, और ट्यूब का डायमीटर क्योंकि डेसिमल होगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। टेम्परेचर जो होगा वो भी हमारे पास पॉइंट्स में हो सकता है, 26.7 हो सकता है, 26.1 हो सकता है, 30.1 समथिंग हो सकता है, इसलिए हम उसको भी फ्लोट वैल्यू ले लेंगे। और वाटर लेवल को हम एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर जगह पर सेट करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी वाटर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, और बस आपने सिर्फ पानी डाला और लेंथ को मेज़र कर लिया, सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लैम्डा, जो कि वेवलेंथ ऑफ दी वाटर ऑफ दी वेव प्रोड्यूस्ड इन दी एयर कॉलम। फ्लोट वेलोसिटी ऑफ दी साउंड जो होती है वो हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है विद दी चेंज ऑफ दी टेम्परेचर, पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हम ये प्रज्यूम करते हैं कि जितने टाइम के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उतने टाइम के लिए वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो वेलोसिटी फिर हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ दी साउंड फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर, और v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो अगर हमें वेलोसिटी पता होगी तभी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे, और वेवलेंथ का जो कनेक्शन होता है वो हमारे लेंथ ऑफ द एयर कॉलम के साथ होता है। सेटअप में हम क्या करते हैं, पिन मोड डिफाइन कर देते हैं, स्पीकर पिन से क्योंकि हमारे पास साउंड आएगा इसलिए वो हमारे लिए आउटपुट है। फिर हम सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल मॉनिटर पर ही हम इनपुट लेंगे, इसलिए हम सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट जो है वो डिफाइन कर देते हैं, बिगिन कर देते हैं सीरियल मॉनिटर को, और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन हम एक एक करके 3 वेरिएबल मांगेंगे। एंटर द रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये कोटेशन मार्क के अंदर है इसलिए ये एज सच प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या है, ये दो लाइनें हैं इम्पॉर्टेंट हैं। वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब नहीं, ये कंपैरिजन हो रहा है। अगर सीरियल डॉट अवेलेबल जो है मॉनिटर जो है वो अवेलेबल है, यानी कि उसमें कोई चीज़ एंटर नहीं की जा रही होती है, तो वो उसकी जो स्टेटस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 है, यानी कि लो स्टेटस है। वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक है, एक दो करली ब्रैकेट्स का एक ब्लॉक बन गया है, और इस ब्लॉक में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है जब तक सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जब तक उसमें कोई चीज़ लिखी नहीं जा रही है, तो आप इसको करते ही चलो, यानी कि कुछ नहीं करना है। और अगर उसके अंदर आप लिख देंगे सीरियल डॉट मॉनिटर में, ये आपसे पूछेगा एंटर रूम टेम्परेचर, और जहाँ पर वो पूछ रहा है वहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू डालेंगे तो उस वैल्यू को
ये किस में स्टोर कर देगा, टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा, और एक इंटरनल कमांड है उसके साथ, इंटरनल प्रोसेस है या ये प्रोसीजर है इंटरनली कि सीरियल डॉट पार्से फ्लोट, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट वैल्यू थी इसलिए वो उसको पार्से फ्लोट नाम से वो एक 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 चीज़ को ले लेता है और उसको स्टोर कर देता है, किसमें बोला टेम्परेचर में स्टोर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने 17.4 किया तो पहले वो 1 को ले लेगा, फिर 70 को 7 को 7 को ले लेगा, फिर डेसिमल को ले लेगा, फिर 4 को ले लेगा, वो पार्से कर देगा उसको, ठीक है ना, और वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो टेम्परेचर में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आपने एंटर दबाया था तो उसने वैल्यू पूछी, आपने वैल्यू दी और उसने उसको पार्से करके आपने इसमें टेम्परेचर में डाल दिया। इसके बाद हमारे पास आता है वो पूछता है एंटर द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। उसी तरह वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब तक आप कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं तो ये यहीं घूमता रहेगा, इसी ब्लॉक के अंदर ये घूमता रहेगा। पर जैसे ही आपने कोई वैल्यू देकर एंटर दबाया तो वो क्या करेगा, आप डायमीटर बताएंगे, यहाँ पर डायमीटर बताएंगे जो कि हमने कितना लिया हुआ है 2.33 सेंटीमीटर डालेंगे हम प्रोग्राम करते वक्त चलाते वक्त। तो ट्यूब डाया नाम का वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ट्यूब डाया में वो सीरियल डॉट पार्से फ्लोट कर देगा, किस चीज़ को बोला, जो हमने वैल्यू यहाँ पर एंटर की है उसको पार्से करके, और वो ट्यूब डायमीटर में सेव कर देगा। उसके बाद फिर वो सीरियल डॉट प्रिंट लाइन एंटर वाटर लेवल इन ट्यूब इन सेंटीमीटर। तो आप फिर जैसे ही आप फिर यहाँ पर वही बात आ गई, जब तक आप कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं तब तक वो ऐसे ही घूमता रहेगा, और जैसे ही आपने कोई वैल्यू डालकर एंटर दबा दिया तो वो उसको पार्से करके वाटर लेवल नाम के वेरिएबल में डाल देगा। अब हमारे पास आता है, ये हम शो करते हैं वहाँ पर कि आपने एंटर किया है इतने टेम्परेचर को, आपने एंटर किया है ट्यूब डायमीटर इतना, और आपने वाटर लेवल को इतना दिखाया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स थोड़ी सी यहाँ पर आती है, वेलोसिटी कैलकुलेट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होती है वो 332 मीटर्स पर सेकेंड होती है, और उसको अगर 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 332 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी, और हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज के साथ हमारे वेलोसिटी जो होती है वो 0.61 मीटर चेंज होती है। तो जीरो पर इतना है, और टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को 0.61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी वेलोसिटी हमारे पास बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो 332 प्लस 0.61 इनटू टेम्परेचर, और इस सारे को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो वेलोसिटी हमारे पास उस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब सीरियल डॉट प्रिंट कर दिया, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एट द अबाउट टेम्परेचर इज, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी दिखा दी। अब आगे आता है लैम्डा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे जो सोर्स ऑफ द साउंड ट्यूब के ऊपर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो पहली रेजोनेंस तब होती है जब ऊपर का जो एंड है, जो ओपन एंड है, वो हमारे पास एंटी नोड की तरह बिहेव करता है, और वाटर लेवल जो है वो नोड की तरह बिहेव करती है। ऊपर से हमारे पास प्रोग्रेस वेव आ रही है, नीचे से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही है। जब दो प्रोग्रेसिव वेव एक ही फ्रीक्वेंसी की ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, एक वेव ऊपर से आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्ट होकर पानी के लेवल से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो हमारे पास क्या होगा बोला, जो वाटर लेवल है वो नोड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एयर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो टॉप है वहाँ पर एयर की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है,
और जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारे पास एंटी नोड होता है, और जो वाटर लेवल है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती वो हमारे पास नोड होता है। और नोड और एंटी नोड के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम लैम्डा बाई फोर कहते हैं। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो लेंथ होती है वो हमारे पास लैम्डा बाई फोर होती है। तो और पर ये देखा गया था, लैपलस ने एक करेक्शन दी थी कि एक्चुअली जो माउथ है वहाँ से हमारे पास वहाँ पर एंटी नोड प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि जो एंटी नोड प्रोड्यूस होता है वो 0.3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्यूब से के बराबर ऊपर प्रोड्यूस होता है। यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू हो गई, लैम्डा की जो वैल्यू लैम्डा बाई फोर की जो वैल्यू हो गई वो वाटर लेवल प्लस 0.3 टाइम्स दी ट्यूब डायमीटर। तो ट्यूब डायमीटर हम ऊपर इनपुट करवा चुके हैं, तो इतनी लैम्डा बाई फोर की वैल्यू इतनी होती है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई इतनी हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लैम्डा होती है। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सील फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होकर आएगी ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास फ्रैक्शन में हो सकती है। तो सील फंक्शन जो है वो उसकी अपर वैल्यू को शो कर देता है, अपर वैल्यू को। यानी कि अगर मेरे पास 19.6 आया हुआ है तो सील कमांड से या सील प्रोसीजर से वो हमारे पास सील फंक्शन से हमारे पास वो वैल्यू 19.6 की बजाय 20 हो जाएगी। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इंटीजर बना लिया सील करके, सील वैल्यू ले ली उसकी, और फिर हम कहते हैं सीरियल डॉट प्रिंट कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रही है, और इस फ्रीक्वेंसी पर अगर रेजोनेंस हो रही है तो हमारे जो स्पीकर से प्रोड्यूस होने वाली जो साउंड है और जो एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड है वो आपस में रेजोनेंस में आ चुके हैं, और उसकी अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी जो है हमने ये कैलकुलेट कर ली। और फिर इंटीजर F1 हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, वैसे यहाँ पर दोबारा से, हाँ, इंटीजर F1 को हम कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है -10, और F2 जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी +10। यानी कि अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो रेजोनेंस आएगा वो जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है हमने उससे 10 कम से लेकर 10 ज़्यादा तक कम किया है, और बीच में कहीं पर हमारे पास उसकी इस फ्रीक्वेंसी पर एक्चुअली हमारे पास रेजोनेंस आनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम साउंड सुनाई देना चाहिए। तो फिर हम दिखा देते हैं एक्सपेक्टेड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास इतनी है, और जो कितनी है वाला इतनी फ्रीक्वेंसी है, लोअर एंड अपर वैल्यूज जो है ना उसकी हमने दिखा दी है कि ये हमारे पास F1 और F2 है। फिर हम एक लूप लगाते हैं, एक लूप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमने F1 से F2 तक लेते जाना है और एक एक वैल्यू को हम चेंज करते चले जाएंगे। वी विल गो ऑन चेंजिंग द वैल्यू 1 by 1, कहाँ से, F1 से लेकर एक एक वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, और हर एक को हम 2 सेकंड के लिए प्रोड्यूस करेंगे, हर साउंड को हम 2 सेकंड के लिए प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया बोला, सीरियल डॉट फ्रीक्वेंसी इज, अब सीरियल डॉट प्रिंट लाइन हमने आई शो कर दिया। आई का मतलब है हमारे पास इंटीजर, आई इज इक्वल टू एफ वन से लेकर आई लेस देन इक्वल टू F2 तक, आई इज इक्वल टू i+1। पहली आई की वैल्यू जो होगी वो F1 होगी, दूसरी आई की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी बोला, F1 में एक ऐड हो जाएगा, फिर तीसरी वैल्यू जो आई की होगी वो उसमें एक फर्दर ऐड हो जाएगा, और ये कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू F2 से बराबर और F2 से कम नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और हम दिखाते रहेंगे कि सीरियल डॉट प्रिंट इस समय फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है,
और सीरियल डॉट प्रिंट आई फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास सीधा आ जाएगा और प्रिंट लाइन आई जो है ना उसके साथ लिखा जाएगा इसका मतलब, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये सब शो होगा। और फिर हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड, टोन, टोन हम प्रोड्यूस करते हैं स्पीकर पिन पर। स्पीकर पिन कहाँ पर कनेक्टेड है? 7 नंबर पिन पर कनेक्टेड है। वहाँ पर हमने कितनी टोन प्रोड्यूस करनी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है F1 आई जो फ्रीक्वेंसी है जो कि एक एक करके चेंज होती रहेगी, वहाँ पर उस टोन की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर देनी है। डिले करना है हमने 2 सेकंड के लिए, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 सेकंड के लिए होती रहेगी ताकि हम सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज जब आएँ तो हम साउंड को, सक्सेसिव साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकें, अपने कानों से डिस्टिंग्विश कर सकें कि कब हमारे पास मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वाइड लूप में हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर ही आकर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं इस प्रोग्राम को, पहले चेक करते हैं कि ये वेरीफाई करते हैं कि ये प्रोग्राम वेरीफाइड ठीक है या नहीं है। हम ये फ्रीक्वेंसी को, ये एक्सपेरिमेंट को, सॉरी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। ये कंपाइल हो रहा है और जैसे ही यहाँ पर वाइट वर्ड में आ जाएगा, जैसे ये आ गया तो डन कंपाइलिंग हो गया। डन कंपाइलिंग के बाद हम फिर टूल पर आते हैं, टूल पर चेक करते हैं कि हमारा बोर्ड कनेक्टेड है या नहीं, आर्डिनो बोर्ड हमारा कनेक्टेड है या नहीं है, और कॉम पोर्ट सेलेक्टेड है या नहीं है। देखिए आर्डिनो बोर्ड भी सेलेक्टेड है, यह बिंदी दिखाई दे रही है, और हमारे पास COM7, यही है COM7 भी हमारे पास यहाँ पर है। तो फिर हम आते हैं कहाँ पर बोला, हम लोड पर, लोड करने पर। ये हमारा ये लोड हो रहा है प्रोग्राम लोड हो रहा है, अपलोडिंग, और अपलोडिंग के बाद डन अपलोडिंग। अब जब डन अपलोडिंग हो गया तो हमने अब सीरियल मॉनिटर के थ्रू ही इनपुट देनी है, और हम यहाँ पर आ जाते हैं सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर को जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ गया, देख लीजिए, एंटर रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा पहली कमांड थी। और यहाँ पर ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और हम टेम्परेचर इस समय जो टेम्परेचर है मेरे कमरे में वो 26 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास टेम्परेचर। 26 लिख कर मैंने एंटर दबा दिया तो वो अब दूसरी चीज़ पूछ रहा है, एंटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। डायमीटर ऑफ द ट्यूब जो है वो मेरे पास 2.33 यहाँ पर लिख दिया, और फिर एंटर दबा दिया। और अब वो तीसरी चीज़ पूछ रहा है, वाटर लेवल इन द ट्यूब। जो मैंने वाटर लेवल इस समय मेजर कर रखी है वो 34.8 सेंटीमीटर ये एंटर कर रखी है। अब ये कैलकुलेशन कर रहा है, आप साउंड सुन रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, 244 या 245 के आसपास मैक्सिमम आना चाहिए। ये साउंड कम होना शुरू हो गया, 247 पर हमारे पास, 246 पर हमारे पास मैक्सिमम साउंड आया था। हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं 246 के पास आया था। हम दोबारा करते हैं, इसको बंद किया और फिर सीरियल मॉनिटर को प्रेस कर दिया। सीरियल मॉनिटर को प्रेस करने का मतलब है फिर वो दोबारा से पूरे प्रोग्राम को करेगा, पूरे प्रोग्राम में आपसे वो टेम्परेचर फिर मांग रहा है। टेम्परेचर मेरे पास 26 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास डायमीटर जो है वो 2.33 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो 34.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होती हैं इसलिए वो अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 245। फिर ध्यान से सुनते हैं साउंड को, बढ़ गया, बढ़ा हुआ है, अब कम होना शुरू हो गया और कम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है
245 या 246 हमारे फ्रीक्वेंसी है और हम उसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और अब हम आपको एक्चुअल एपरेटस दिखाएंगे और उसके रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट का सेटअप और आर्डिनो के साथ कनेक्शन बहुत ही आसान है। और आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक प्लास्टिक की 1 इंच डायमीटर की ट्यूब है और उसके साथ हमारे पास ये प्लास्टिक की ट्यूब लगी हुई है। ये हमारे पास नीचे प्लास्टिक की जो ट्यूब है वो नीचे बेस के ऊपर फिक्स है और नीचे से ही हमारे पास ये प्लास्टिक की ट्यूब ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ पर आपको वाटर लेवल दिखाई दे रहा है और इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब और इस प्लास्टिक की ट्यूब का वाटर लेवल नेचुरली आपको पता ही है एग्जैक्टली सेम होता है। इस लेवल की जो डेप्थ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब से जो लेवल ऑफ द वो है वो हमारे पास 38.6 सेंटीमीटर रखी गई है। और आप जो मर्जी लेवल रखना चाहते हैं, जितनी मर्जी लेंथ रखना चाहते हैं उतनी रेंथ रख सकते हैं और उसको मेज़र भी कर सकते हैं। इसके ट्यूब के ऊपर हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखने की बजाय हमने एक स्पीकर रख दिया हुआ है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है। वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज होती जाती है एज़ पर आवर कैलकुलेशन। स्पीकर के जो दो तारे हैं उसमें से एक तार हमारे आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 7 पर गई हुई है और दूसरी तार हमारे पास इसको ग्राउंड को गई हुई है। ये कोई भी तार किसी भी ग्राउंड के साथ लगा सकते हैं और दूसरी तार पिन नंबर 7 के साथ लगाई जा सकती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे से 3 चीज़ें पूछता है। एक तो टेम्परेचर पूछता है, दूसरा इस ट्यूब का डायमीटर पूछता है और तीसरा हमारे पास लेंथ ऑफ द एयर कॉलम यानी कि डेप्थ ऑफ द एयर कॉलम हमारे पास ये पूछता है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ट्यूब। बेस्ड अपॉन दिस वो एक कैलकुलेशन कर लेता है कि कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस होगा। वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से 10 फ्रीक्वेंसी हम कम कर देते हैं, 10 फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा कर देते हैं और ये जो हमारा स्पीकर है वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये साउंड चलता जाता है और हमें एक पर्टिकुलर जगह पर मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। जिस पर्टिकुलर लेंथ जगह पर हमारे पास मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है वही हमारे पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है।